नए राष्ट्रपति के लिए वोटों की काउंटिंग आज द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा मैदान में 11 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ आज, देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन पर ममता आज कर सकती हैं फैसला, सांसदों की बुलाई बैठक। यूपी का पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर विवाद दिल्ली तक पहुंचा, लखनऊ की नाराजगी लेकर दिल्ली पहुंचे थे मंत्री जितिन प्रसाद, हाईकमान के किसी नेता से नहीं मिला समय। राजस्थान में दर्जा प्राप्त मंत्रियों की बल्ले बल्ले, मंत्रियों की बड़ी तनख्वाह, बाकी सुविधाएं भी पहले की तरह मिलती रहेंगी। एमपी निकाय चुनाव रिजल्ट ने उड़ाई बीजेपी की नींद, कद्दावर नेताओं के गढ़ में मिली हार, विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है मुश्किल। मिशन गुजरात पर आम आदमी पार्टी, दिल्ली सीएम केजरीवाल आज सूरत दौरे पर, अपनी पहली गारंटी का करेंगे ऐलान। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन तेज, आज दिल्ली आ सकते हैं सीएम गहलोत, हाईकमान से मुलाकात की अटकलें। ममता के गढ़ पर बीजेपी की नजर, बंगाल के 3 दिवसीय प्रवास पर आएंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, शिवलिंग और तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा की अनुमति की भी है मांग। प्रधानमंत्री रेस के फाइनल में पहुंचे भारतीय मूल के ऋषि सुनक, आखिरी राउंड में हासिल की बड़ी बढ़त। जो बाइडेन इस महीने के अंत में शी जिनपिंग से कर सकते हैं बात, कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। रूस और ईरान के बीच 40 अरब डॉलर का समझौता, खामनेई बोले नाटो के कारण शुरू हुई यूक्रेन में जंग। उत्तरी इराक पर तुर्की ने किया हमला, 8 लोगों ने गवाई जान, 23 लोग घायल। यूरोप में भीषण गर्मी से अब तक 1700 लोगों की गई जान, ज्यादातर देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। सीनियर सिटीजन के लिए सफर हुआ महंगा, नहीं शुरू होगी सीनियर सिटीजन के लिए फिर से रियायती रेल टिकट सेवा। मोदी सरकार की निजीकरण की नीति का विरोध तेज, आज बैंक कर्मचारी संसद के बाहर करेंगे प्रदर्शन, ट्रेड यूनियंस ने दिया समर्थन। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की तरफ से बॉलीवुड निर्माता प्रेरणा अरोड़ा पर केस दर्ज, 31 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला। प्लॉट आवंटन की हेराफेरी में नपे नोएडा अथॉरिटी के मैनेजर, मंत्री नंद कुमार गुप्ता ने किया निलंबित। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग जारी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की हालत बुरी, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 87वां स्थान। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।